पे आम तो सबको ही पसंद होते हैं, लेकिन इसकी खुशबुओं को हम पीछा कैसे छोड़ सकते हैं? तो फिर क्या जो हमारा रियल कच्चे आम का जो परफ्यूम्स है और जो रियल कच्चे आम का जो फ्रैग्रेंस है, क्या वो एक साथ मैच करेगा या नहीं? इसी का एक बेस रिव्यू जो है अभी इस वीडियो में करने जा रहे हैं। और फ्रैग्रेंस की मैं बात करूं तो भाई काफ़ी लाजवाब इसका जो है खुशबू आपको देखने को मिलेगा। यूं ही नहीं, इसे फलों का राजा का काफ़ी ज़बरदस्त, मतलब यार कोई फ्रूट्स हो तो मैंगो या फिर पाइनएप्पल। फ्रैग्रेंस के मामले में काफ़ी सारे लोग मेरे को गाली दे रहे होंगे कि आप परफ्यूम का रिव्यू कर रहे हो या फिर ये सब खाने पीने की चीज़ें दिखाने आए हो। इसके साथ साथ आपको ये भी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी कि इसकी थिकनेस कैसी है, कलर में ये कैसे दिखता है। सही है, मतलब शिपिंग करने में क्यों देरी करें, ये भी हमने कर लिया। हाँ, ये तीन छोड़े मैंने। सो फ्रेंड्स, अभी चल रहा है आमों का सीजन और इस आम के सीजन पे आम तो सबको ही पसंद होते हैं, लेकिन इसकी खुशबुओं को हम पीछा कैसे छोड़ सकते हैं? तो इसीलिए जो है मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैंगो का ये बेस फ्रैग्रेंस और एक कच्चे आम का जो है परफ्यूम्स आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल इसको रखते हैं थोड़ा साइड में। सबसे पहले जो है आम मतलब फलों के राजा के बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे मैंगो एक स्वीट फ्रूट होता है। स्वीट होने के साथ साथ इसकी खुशबू भी काफ़ी लाजवाब होती है, जैसा कि आप जानते होंगे खाने में भी और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ों पे मैंगो का यूज़ किया जाता है, चाहे अचार ले लो, अचार ले लो, फ्रूट्स ले लो, या फिर ऐसे कई टाइप के फ्रैग्रेंस, होम फ्रैग्रेंस और काफ़ी सारे जो खुशबू से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो भी मैंगो टाइप्स के फ्लेवर में आने स्टार्ट हो गए हैं। सो फिर अगरबत्तियाँ भी काफ़ी हद तक इसकी डिमांडेड रहती हैं मार्केट्स में हो या फिर लोग जलाने के लिए। मैंगो फ्लेवर जिस तरीके से पाइनएप्पल चलती हैं उसी तरीके से मैंगो भी लोग पसंद करते हैं। सो फिर सीजन के साथ साथ क्यों ना हम इसका एक बेसिक रिव्यू करें और इसके साथ साथ मैंगो के जो बेसिक डिटेल्स हैं, जो हमारी मैंगो अगरबत्ती के जो फ्लेवर्स हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैंगो की तरफ जो है चलते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे तो ये है एक मैंगो का ट्री और पेड़ आपको दिख रहे होंगे, हालांकि स्क्रीन्स में अभी आप मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। काफ़ी सारे आम आपको फलते हुए दिखेंगे यहाँ पे, काफ़ी साइज़ भी इसका जो है बड़ा हो चुका है। और यहीं पे पीछे मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर भी आपको जो है आम देखने को मिलेंगे। सो फिर जो है सबसे पहले हम करते हैं शुरुआत और यही मेरे पास में एक आम आपको दिखाई दे रहे होंगे। काफ़ी सारे आम आपको फले हुए दिख रहे होंगे आसपास में और सबसे पहले टेस्टिंग तो इसी की कर लेते हैं क्योंकि ये हमारे पास में ही है। और फ्रैग्रेंस की मैं बात करूं तो भाई काफ़ी लाजवाब इसका जो है खुशबू आपको देखने को मिलेगा। यूं ही नहीं, इसे फलों का राजा कहा जाता है, कारण कि ये सुगंध में भी और दूसरी चीज़ स्वाद में भी, दोनों में भी काफ़ी ज़्यादा इसकी खूबसूरती। तो फिलहाल कैसे भी करके बड़ी मेहनत से ये चीज़ें कट गई है और अभी आप देख पा रहे होंगे। बात आती है इसकी फ्रैग्रेंस की टेस्टिंग का। सो फिर काफ़ी ज़बरदस्त, मतलब यार कोई फ्रूट्स हो तो मैंगो या फिर पाइनएप्पल फ्रैग्रेंस के मामले में। बाकी काफ़ी सारे फ्रैग्रेंस आपको फ्रूटी नोट्स में भी देखने को मिलेंगे और धीरे धीरे कोशिश ये रहेगी कि वो भी फ्रैग्रेंस हमारे पास आते जाएंगी। तो फ्रैग्रेंस तो एक कच्चे आम का जो फ्रैग्रेंस होता है वो काफ़ी, अब मैं क्या बताना चाहूँ आपको, बहुत अच्छा होता है सीधी सी बात। तो टेस्ट करके इसको हम देखते हैं। पूछो ही मत। काफ़ी सारे लोग मेरे को गाली दे रहे होंगे कि आप परफ्यूम का रिव्यू कर रहे हो या फिर ये सब खाने पीने की चीज़ें दिखाने आए हो। कोई बात नहीं, टेस्टिंग तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। थोड़ा नमक और मिर्ची और होना था, बाकी कुछ नहीं चाहिए। फिर वीडियो भी थोड़ी लंबी होगी, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि
क्या होता है ना, कोई भी चीज़ अगर बारीकी से समझे तो उसको करने में और उसको समझाने में मज़ा ज़्यादा आता है। तो ये हो गया हमारी टेस्टिंग, दोनों ज़बरदस्त हैं, फ्रैगनेंस कहो या फिर खाने में कहो। और कभी मौका पड़े तो आइए हमारे फैक्ट्री में। ये भी आम शुरुआती दिनों से फलना स्टार्ट हुआ है, मतलब ये फर्स्ट टाइम है। और फैक्ट्री में भी ये हमारा पेड़ है, यहाँ से काफ़ी सारे आम लगे हुए हैं, मतलब यहाँ से स्टार्ट है, ये तीसरा पेड़ है, चौथा, पांचवा और आगे और है। अभी फलना यही स्टार्ट हुआ, दो छोटे छोटे हैं तो वो भी फलना चालू हो गया है। सो फिर जो है इसे तो हमने रख दिया नीचे, अब बारी आती है हमारे परफ्यूम्स की कि ये कितना भाई दमदार है, क्योंकि सारी चीज़ों की एक रिव्यूज़ करना काफ़ी ज़रूरी था। और ये स्टार्टिंग है, मतलब ये फर्स्ट रिव्यू होगा हमारे परफ्यूम्स का, और काफ़ी सारे सीरीज़ हैं, मतलब परफ्यूम की लिस्ट तो काफ़ी लंबी चौड़ी होने ही वाली है। स्टार्टिंग यहीं से हमारी हो रही है, तो सबसे पहले करते हैं ये सील को ओपन। अब यहीं से काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेंगी, फ्रेग्रेंस आ रहा है, बट खोलने के बाद इसकी जो रियल फ्रेग्रेंस है वो हमें समझ में आएगी। तो भाई और क्या चीज़ बाकी रह गया, ये आता हूँ हमारा कटा हुआ आम। दोनों चीज़ें मेरे साथ में हैं, सबसे पहले इसको तो हमने समझ लिया, अब जो है हमारा परफ्यूम की बारी है। मिलेगा फिलहाल, एक और कोशिश कर लेते हैं। ये है हमारा बीकर, और इस बीकर में सीधा हम लोग डालते हैं ये परफ्यूम। अब इसके वजह इसके साथ साथ आपको ये भी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी कि इसकी थिकनेस कैसी है, कलर में ये कैसे दिखता है, और काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे तो हल्का येलोनेस आपको देखने को मिलेगा। और इसकी थिकनेस में बोलूँ तो पतली है, काफ़ी सारे ऐसे फ्रेग्रेंस होते हैं जो कि थोड़ा सा उसकी ऑयल की वैल्यू बड़ी होती है, गाढ़ा होता है, कहने का मतलब जैसे कि हमारा लोबान है, गूगल है, और एक शिवम, और ऐसे दो तीन और परफ्यूम्स हैं उसके फ्रेग्रेंस काफ़ी गाढ़े हैं। तो ये हो गया हमारा बीकर में हमने ले लिया, यहाँ से कोशिश करेंगे। सही है, मतलब एक जो चीज़ें मैं सोच रहा था कि ऐसा इसका क्वालिटी होना चाहिए, लगभग लगभग मिलता जुलता इसका फ्रेग्रेंस इस हमारे जो है कच्चे आम है उनसे मिलता जुलता आ रहा है। और बारी हो जाती है एक टेस्टिंग का। सो फिर कुछ स्टिक्स भी मैंने रख ली हैं, और यहाँ से जो है हम इसे डीप भी कर लेते हैं। अभी इतनी सारी चीज़ें कर ली हैं तो डीपिंग करने में क्यों देरी करें, ये भी हमने कर लिया। हालांकि डीपी अभी नहीं है, प्योर परफ्यूम है। प्योर परफ्यूम में क्या होता है, रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं मिलता जब तक हम इसे डीपी में डाइल्यूट नहीं करें। दोनों का अलग अलग कारण क्या है, प्योर परफ्यूम में डीप करने से क्या होता है और डीपी डालने के बाद क्या होता है डीपी ऑयल, इसके बारे में आगे किसी वीडियो में मैं बताऊँगा। काफ़ी अंतर देखने को मिलता है, और क्या सही है और क्या नहीं है। डीपी ऑयल डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बेस एल्डिहाइड्स डीपी ऑयल्स में होते हैं, जिसके कारण हमारा परफ्यूम लास्टिंग भी करता है और इसकी क्वालिटी भी लॉन्ग टाइम रहती है। तो ये हमारा हाथ में हमने रखी हुई है ब्राउनी स्टिक्स। परफ्यूम से डीप करने के बाद थोड़ा अलग रिजल्ट है, मतलब जो एग्जैक्ट फ्रेग्रेंस हमें नहीं देखने को मिल रहा था, मतलब महसूस करने को नहीं मिल रहा था, वो इसमें हमने थोड़ा सा अलग देखने को पाया। अब रियल जो मैंगो की कच्चे आम की जो फ्रेग्रेंस है वो हमें देखने को मिल रही है। अब एक और लास्ट जो प्रैक्टिकल है वो है जलाने को लेकर, तो इसमें देरी क्यों करें, ये भी जला लेते हैं। क्या बोले, खुशबू तो काफी अच्छा आ रहा है, एक बार आप भी इसे ट्राई जरूर कीजिए, और अपने अगरबत्ती फ्रेग्रेंस में फ्रूटी फ्लेवर, मैंगो टाइप का जो फ्लेवर है उसे ऐड ज़रूर कीजिए, और क्वालिटी आपको बेटर मिलेगा, भी अच्छा मिलेगा ही, इसकी मेरी गारंटी है। और इसके फ्रेग्रेंस भी काफ़ी अच्छा है,
मतलब एक फ्रूटी नोट्स में देखा जाए तो मैंगो काफ़ी जाना माना नाम है। जैसे पाइनएप्पल की लोग रिक्वायरमेंट करते हैं कि भाई पाइनएप्पल चाहिए, वैसे मैंगो भी चलती है। हाँ, दूसरी चीज़ ये अगरबत्ती के साथ साथ हमारा मस्क्यूटो हो गया, धूप स्टिक्स हो गए, उसमें भी अच्छे तरीके से काम करेंगे। मस्क्यूटो में तो और बेटर, क्योंकि मस्क्यूटो में लोग ज़्यादातर यही ढूंढते हैं कि भाई मस्क्यूटो के लिए थोड़ा सा फ्रूटी नोट होना हो गई। सो फिर आप ट्राई बिल्कुल ज़रूर कीजिए। ये हमारा न्यू मैंगो जो फ्रेगनेंस है फ्रूटी में, और काफ़ी सारे अलग अलग फ्रेगनेंस बहुत जल्द आने वाले हैं। पाइनएप्पल हमारे पास पहले से ही है, और कोशिश यही है कि जितने भी हमारे पास जो परफ्यूम्स हैं वो बेटर रिजल्ट अभी के टाइम पे कस्टमर्स को मिल रही है। सेटिस्फेक्शन 100% आपको मिलेगा। और इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड। और किसी भी तरीके से परफ्यूम अगरबत्ती बिजनेस से रिलेटेड कोई भी आपकी इंक्वायरीज हैं तो हमें कॉल या व्हाट्सअप आप कर सकते हैं। मिलते हैं आने वाले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।